Hi everybody. Today we are going to discuss about the aconite poisoning. Meetha zeher isko kehte hain. Dekhi isko meetha beast bhi kehte hain ya meetha zeher bhi isko kaha jata hai. To ye aapka mostly jo grown hote hain jo ugte hain ye aapka pahadi ilakon mein dekhne ko milte hain aur kuch log jo hain gardens ke andar bhi jo hain isko ugate hain. क्योंकि इस पर जो है वो कुछ ब्लूस कलर की बहुत खूबसूरत फूल जो है आते हैं, तो शोई पर्पज से यानी कि फ्लावर जो है वो खूबसूरत होने की वजह से वो आपका गार्डन्स के अंदर भी लोग उगाते हैं और इसमें ब्लू कलर के जो है आपका फ्लावर्स आते हैं. देखिए ऑल्दो हालांकि इसके सभी पार्ट्स, इस प्लांट के सभी पार्ट्स जो है वो आपका पॉइजनस होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो इसकी रूट का पाउडर या रूट का एक्सट्रैक्ट या रूट का जो है आपका टिंक्चर की शक्ल में बना के इसका इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि मोस्टली मोस्ट कॉमनली इसका जो है आपका रूट पार्ट जो है वो आपका यूज किया जाता है. इसकी जो रूट होती है, इसकी जो रूट होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अबाउट, और डार्क ब्राउन कलर की होती है और उनके ऊपर जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल झुर्रिया सी पड़ी हुई होती है और टेपरिंग होती है इनकी रूट नीचे को, जैसे फिंगर आपका भिंडी होती है उस तरह की इसकी शेप होती है, टेपरिंग होती है इसकी रूट. और अगर इसको काटते हैं तो काटते पर अंदर से ये जो है व्हाइट निकलते हैं, लेकिन जैसे ही एयर के संपर्क में आती है तो उसका कलर पिंक हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है. इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो आपका एल्कोलाइड एकोनिटिन इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है. और ये जो एक्शन करता है, ये क्या एक्शन करता है, ये फर्स्ट स्टिमुलेट करता है और फिर डिप्रेसेंट करता है. यानी कि पहले स्टिमुलेट करेगा उसके बाद जो है डिप्रेस करेगा कार्डियक मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को और आपका जो स्मूथ मसल्स है स्मूथ मसल्स को और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को के ऊपर ये इस तरह से इफेक्ट करता है. यानी कि पहले स्टिमुलेट करता है उसके बाद उसको डिप्रेस करता है. साइंस एंड सिम्टम्स इन एकोनाइट पॉइजनिंग. देखिए आफ्टर कॉन्टैक्ट यानी कि इसको लेने के बाद सबसे पहली सेंसेशन क्या महसूस देगी, टिंगलिंग टिंगलिंग और उसके बाद नंबनेस. कहां पर, लिप्स पर, माउथ पर और आपका टंग के ऊपर और फेरिंग्स के ऊपर जो है वो आपका ये टिंगलिंग और नंबनेस जो है वो आपका पेशेंट के दिखाई देती है. और फिर वो फॉलो होती है मोर सेलाइवेशन, एक्सेस सेलाइवेशन, सेलाइवा बहुत ज्यादा आने लगता है, पेन इन स्टोमक एंड वॉमिटिंग, पेट के अंदर दर्द होता है और वॉमिटिंग होने लगती है. फिर उसके बाद ये टिंगलिंग एंड नमनेस जो है आपका हॉल बॉडी के अंदर जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है. देन टिंगलिंग एंड नमनेस एक्सटेंड ओवर ऑल बॉडी, पूरी बॉडी पर जो है फैल जाती है. लिम्स वीक, अनेबल टू स्टैंड एंड वॉक, हाथ और पैर जो है वो इंसान के वीक हो जाते हैं, वो तो ना खड़ा हो पाता है सही तरीके से और ना ही वो चल पाता है. ट्विचिंग ऑफ मसल्स, मसल्स के अंदर एटेंसी हो जाती है और फिर उसके बाद जो है कन्वर्जेंस अपियर हो सकते हैं. पल्स जो है आपका ये स्लो एंड इरेगुलर हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपका कॉलेप्स हो जाएगा. और ब्रीथिंग पहले बहुत तेज होगी, सांस यानी कि बहुत तेजी के साथ ऊपर नीचे होगा, लेकिन बाद में जो है वो आपका स्लो हो जाएगा और बहुत लेबर्ड होगा, यानी कि मुश्किल से आपका जो है वो सांस आएगा, बहुत जोर लगा के सांस लेना पड़ेगा. इंपेयर्ड इंटेलिजेंस, डेथ फ्रॉम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ होगी या फिर जो है आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से इंसान की मौत होती है. फेटल डोज, देखिए इसकी फेटल डोज जो है सिर्फ 1 ग्राम इसकी फेटल डोज होती है अगर उसको रूट के पाउडर की शक्ल में लिया जा रहा है. और अगर उसको आपका एक्सट्रैक्ट की शक्ल में लिया जा रहा है तो इसकी जो फेटल डोज होगी वो आपका सिर्फ 250 मिलीग्राम होगी. और अगर उसको टिंक्चर की शक्ल में लिया जाता है तो ओनली 25 ड्रॉप्स जो है इसकी फेटल डोज होती है. यानी कि फेटल डोज जो है इसकी वो 1 ग्राम रूट पाउडर अगर ले रहे हैं, 250 mg अगर वो एक्सट्रैक्ट की शक्ल में लिया जा रहा है और 25 ड्रॉप्स अगर वो टिंक्चर की शक्ल में लिया जा रहा है तो ये इसकी फेटल डोज होती है. फेटल पीरियड, देखिए फेटल पीरियड जो है इसका 1/4 घंटा यानी कि 3/4 ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का जो आपका 3/4 पार्ट है यानी कि 1/4 घंटा फेटल
पीरियड जो है इसका वो आपका 3/4 ऑफ एन आवर टू 24 आवर्स, लेकिन एवरेज जो लिया जाता है वो आपका 6 आवर लिया जाता है, यानी कि इसमें बहुत जल्दी मौत होने के इम्कान रहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट पर हम आते हैं। देखिए ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम है इसमें पेशेंट को वार्म रखा जाए, पेशेंट को गर्म रखा जाए, यानी कि केप्ट पेशेंट वार्म, और फिर जो है उसका इमीडिएट आप जो है उसका स्टोमक वॉश करेंगे विद टैनिक एसिड, यानी कि टैनिक एसिड से आप वॉश करेंगे, या फिर जो है पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 से उसका स्टोमक वॉश करते हैं, और फॉर सपोर्ट हार्ट एंड रेस्पिरेशन, हार्ट के और रेस्पिरेशन के सपोर्ट के लिए स्ट्रिक्निन 8 mg उसको देंगे, एट्रोपिन 1 mg उसको देंगे, कहां हाइपोडर्मिक यानी कि सबकुटेनियस उसको स्किन के नीचे जो है ये इंजेक्शन देते हैं। फॉर कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक एरिथमियाज जो हो रहा है वो उसमें 1% नोवाकेन आपका 50 ml IV हम देंगे स्लोली धीरे धीरे, और रेस्पिरेशन अगर नीचे जा रहा है तो वहां पर आप ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको पेशेंट को देंगे। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस, इसमें देखिए पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस कौन से आते हैं, हालांकि कोई खास जो है इसमें पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस जो है वो आपका एस्फिक्सिया के केसेस में देखने को मिलती है, यानी कि साइनोज वगैरह हो जाना, फ्लैश हो जाना चेहरे का, वो साइन सिम्टम्स जो है इसमें दिखाई देते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ द पॉइजन यानी कि रूट के या लीव्स के जो भी चीज पॉइजनस की शक्ल में लिया गया है तो वो स्टोमक कंटेंट के अंदर आपका मिल सकते हैं। और इसके अलावा क्लोरोफॉर्मिक अडर, क्लोरोफॉर्म जैसी अडर जो है उसके स्टोमक को जो हम खोलेंगे उसमें से क्लोरोफॉर्म जैसी अडर आएगी, और ऑर्गन्स कंजेस्टेड होंगे, और हेमरेजिक पल्मोनरी अडीमा होगा, हेमरेजिक पल्मोनरी अडीमा उसमें होता है। इसके अलावा डिफ्यूज कॉन्ट्रेक्शन बैंड नेक्रोसिस इन मायोकार्डियम, ये भी आपका पोस्टमार्टम अपीयरेंस में देखने को मिलेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, देखिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में इसमें नंबर एक पर आता है आपका होमिसाइडल, होमिसाइडल के केसेस जो है मोस्टली देखने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके स्वीटेस्ट टेस्ट की वजह से, इसके मीठे टेस्ट होने की वजह से इसको आसानी से किसी मिठाई में मिलाकर दिया जा सकता है, किसी पिंक कलर के ड्रिंक में मिलाकर दिया जा सकता है, पान की पत्तियों के अंदर, पान के अंदर यानी कि बेटल लीव्स के अंदर जो है आपको इसमें मिलाकर दिया जाता है। और ये खास तौर से कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हस्बैंड जो होता है वो जेलस होता है, अगर किसी की वाइफ जो है वो बेवफा है, वाइफ जो है वो फेथलेस है, तो उस कंडीशन में जो जेलस हस्बैंड होते हैं वो इसको होमिसाइडल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीडेंटल केसेस में देखिए, चूंकि नंबर एक तो बात इसकी जो है रूट जो है वो मीठी होती है, तो बच्चे इसको जो है वो चबा सकते हैं, अगर कहीं देख रहे हैं तो शकरकंद या किसी और चीज को समझ के वो उसको चबा सकते हैं, या क्वेक जो लोग होते हैं वो उसको अच्छा खाना समझ के वो खाने में मिला के उसको खा सकते हैं, या कुछ क्वेक डॉक्टर्स जो है वो बिना प्योरीफाई किए इसको अगर दे दें तो वो भी पॉइजनस इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर डालता है। तो ये एक्सीडेंटली इस तरह के केसेस जो है इसमें देखने को मिलते हैं, और जो है आपका एबोर्टिफिशेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैटल पॉइजनिंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, उनके चारे वगैरह में मिला के आपका एनिमल्स को दे दिया जाता है, या एरो पॉइजन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जो शिकारी लोग हैं वो आपका टाइगर्स और एलिफेंट्स को किल करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं एरो पॉइजन के तौर पर। और सुसाइडल केसेस जो है वो नॉट कॉमन, सुसाइडल केसेस जो है बहुत कॉमन नहीं होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एकोनाइट पॉइजनिंग, देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि होमिसाइडल पॉइजनिंग इससे क्यों आसानी से हो जाता है। नंबर एक कि ये चीप और इजीली अवेलेबल, सस्ता होता है और आसानी से अवेलेबल। नंबर टू, स्मॉल लीदल डोज यानी कि फेटल डोज जो है, यानी कि खत्म करने के लिए इंसान को बहुत स्मॉल डोज ओनली 1 ग्राम जो है आपका रिक्वायर्ड होती है, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी से आता है, यानी कि इसका फेटल पीरियड जो है वो पौना घंटा से कुछ आगे, यानी कि रिजल्ट बहुत जल्दी से आता है, यानी कि डेथ इंसान की बहुत जल्दी हो जाती है। और कलर कैन बी
चेंज, इसका कलर जो है वो आपका, चूंकि हवा के संपर्क में आने पर ये पिंक हो जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक में मिला के, जो पिंक कलर की कोल्ड ड्रिंक है उनमें मिलाकर, या फिर जो है पान के अंदर कत्था और चूना जो लगाते हैं उसके अंदर, मटेरियल जो लगाते हैं पान में उसके अंदर, इसको मिक्स कर दिया जाता है तो उसका कलर जो है उसी तरह का हो जाता है, तो उससे भी आपका इसको देने में आसानी रहती है। मिठाई के अंदर भी इसको आसानी से दिया जा सकता है, और जो है आपका कैन नॉट डिटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब बॉडी प्यूटरीफाई हो जाती है, लाश सड़ने लगती है, तो वो एकोनाइट को नष्ट कर देती है। तो उस सूरत में अगर केमिकल एनालिसिस किया जाएगा तो उसमें ये पॉइजन डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस ऑफ एकोनाइट पॉइजनिंग। ये था आज आपका लेक्चर, एकोनाइट पॉइजनिंग यानी कि मीठा जहर। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।